सवा पाँच एकड़ गवर्नमेंट ने दी थी, तो मालवा कब्रस्तान के अंदर उन्होंने अपनी चाबियों को बिल्डिंगों को 3 एकड़ दी, बहुत कम जगह बची है, 80-85 जगह बची। ये मुसलमानों को ख्याल नहीं है, पहले मुंबरा में रहते थे, हमको दफनाने दो तो कहाँ से दफनाने। इस कोरोना काल में मुंबरा में लगातार हो रही मौतों की वजह से कब्रस्तान में भी अब मैयत दफन करने की जगह बहुत कम बची है। मुंबरा शहर में अमृत नगर कब्रस्तान के ट्रस्ट द्वारा पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। वहीं कब्रस्तान के ट्रस्टी नईम खान ने भी बताया है कि कब्रस्तान में जगह कम पड़ने की वजह क्या है। अमृत नगर दरगाह कब्रस्तान की जमीन 5.25 एकड़ थी, मगर 3 एकड़ जमीन बेचने का आरोप नईम खान ने लगाया है। नईम खान का कहना है कि जो 3 एकड़ जमीन बेची गई है उस पर अब घर बन चुके हैं और कब्रस्तान सिमट कर सिर्फ 2 एकड़ जमीन में है। उस वक्त सोचना चाहिए था कि मुंबरा की आबादी और भी बढ़ेगी तो कब्रस्तान में ज़मीन कम पड़ेगी। और वहीं इसके अलावा कब्रस्तान की ज़मीन दरगाह के बगल में भी है, जिस पर गार्डन बनाने की बात सामने आ रही है। नईम खान ने यह भी बताया कि ज़मीन कब्रस्तान के लिए थी, मगर हमारे पास सिर्फ 2 एकड़ का कब्रस्तान ही बचा है और इस कोरोना काल में अब सिर्फ 85 मैयत दफन करने की जगह कब्रस्तान में बची है, जिसके बाद कब्रस्तान बंद कर दिया जाएगा। मार्च महीने में 75 मैयत, अप्रैल में 91, मई में 160 और जून की 15 तारीख तक 125, यानी कुल मिलाकर 451 मैयत मार्च से लेकर 15 जून तक दफन हो चुकी हैं। अब सिर्फ जगह 85 मैयत दफन करने की बची है। ऐसे में मुंबरा की स्थिति अब बेहद ही गंभीर हो चुकी है, क्योंकि अमृत नगर कब्रस्तान में ही लगभग 10 से 12 मैयत हर रोज दफन होती थी, मगर अब जगह नहीं बची है। जिस दिन 85 मैयत पूरी हो जाएगी उसी दिन अमृत नगर दरगाह कब्रस्तान बंद कर दिया जाएगा और दोबारा 8 से 9 महीने के बाद लगभग ये कब्रस्तान खुल सकता है। ऐसे में मैयत दफन करने के लिए अब एमएम वली कब्रस्तान बचा है, क्योंकि कौसा कब्रस्तान भी बंद है और मुंबरा में इस कोरोना काल में बढ़ती मौत की संख्या चिंता का विषय है। सुनिए अमृत नगर दरगाह की कब्रस्तान के बारे में क्या कुछ जानकारी ट्रस्टी नईम खान ने दी है। कब्रस्तान में जो आज जगह नहीं बची, वो आज अगर आप पहले देखें तो 3-4 महीने पहले महीने की सिर्फ 30-35 मैयत थे, आज इतना बड़ा रेशो बढ़ गया कि 150-200-180 के करीब। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि जगह नहीं बची है और बहुत कम जगह बची है, 80-85 जगह बची है। ये मुसलमानों को ख्याल नहीं आया था, या पुराने हमारे जो पुराने थे सदर, तब 5.25 एकड़ गवर्नमेंट ने दी थी, तो मान लो कब्रस्तान के अंदर उन्होंने अपनी चाबियों को बिल्डिंगों को 3 एकड़ भेजी। आज उनको ये होश नहीं था कि भाई मुंबरा बढ़ेगा, ये होएगा वो होएगा, तो ये जगह बेचने के बाद फिर आबादी बढ़ जाएगी और कब्रस्तान छोटा पड़ जाएगा। और वही हुआ, आज कब्रस्तान 2 एकड़ हमारे पास है, जगह शॉर्ट पड़े और थोड़ा चौगान भी है, तो ये होता है। अब दूसरा 25 साल से हमने अकरूदी छापा के पीछे जो जगह है वो तो संभाल के रखी थी, जमात के लिए संभल के रखी थी। एक रात संडे को भी बताया, अभी उसके अंदर कुछ लोगों ने बोला कि गार्डन आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, यानी मर गए तो कोई आपका सुनवाई नहीं, आपके लिए कोई जगह नहीं, गार्डन में क्या होएगा मेरे समझ में। अच्छा, जो जगह आप बता रहे हैं वो जगह भी क्या कब्रस्तान के लिए ही थी? कब्रस्तान के लिए एक्चुअली वो थी तालाब, तो तालाब में वो भरनी कर दी और कम से कम 2-2.5 एकड़ जमीन जो थी, ये कुछ पुराने नगर सेवकों ने, ये इनके नहीं, इससे भी पुराने नगर सेवकों ने उसको बिल्डिंगें बना दी, बिल्डिंगें बना के और उन्होंने कब्जा कर लिया। कब्जा कर जब ये जगह बची तो ये जगह पे फिर हम लोग थे, हम लोगों ने हाउस के अंदर आवाज़ उठाई, ये उठाई, तो ये जगह बच गई, बिल्डिंगें मतलब बंद हो गई। उस टाइम हम लोगों ने प्रपोजल डाला था ये भी जगह, क्योंकि हमारी 3 एकड़ जगह जो है वो कब्रस्तान में का एनक्रोचमेंट हो गया, तो ये जगह हमको दे, आज ये जगह मिलती तो कम से कम 400-500 मिल गया तो अपनी जगह हो जाती। हम आप तो जानते हैं सर कितनी गंदी खिली हुई, जो कब्रस्तान के बाजू में जो घर बने हैं वगैरह वो भी कब्रस्तान की जमीन थी। अगर
कब्रस्तान की जमीन कितना एकड़ में वो घर बनकर तैयार हुआ जी? कितनी जगह में वो घर बनकर तैयार हुआ, कितनी जमीन? सवा तीन एकड़ में, 2 एकड़ हमारे को आते ही नहीं। सरकार ने हमको 5.5 एकड़ जगह ली। 5 एकड़ में जैसे हमको जगह अलॉट हो गई, जैसे कब्जे चालू हो गए, यानी उस टाइम में सदन नहीं था, इससे मेरे से पहले दूसरे सदन इंक्रोचमेंट चालू हो गया, बिल्डिंगें बना दी, चाले बना दी, सब कुछ बना दिया। आज भी लोग रह रहे हैं, आपने भी देखा होगा काफ़ी बड़ी जगह है। आज अगर वो भी जगह हमारे पास रहती तो काफ़ी बड़ी जगह, 5 एकड़ हमको मालूम है। अल्लाह जन्नत नसीब करे रशीद कुरैशी, हम लोगों ने मेहनत करके और सरकार से 5.25 एकड़ जगह हम लोगों ने कैसे लिए उनको हमारा दिल जाए। अब वो कब्जा हो गया, फिर हमने ये मांगी कि ये दे दो हमारे को। एकनाथ शिंदे को भी हमने लिख दिया, सब कुछ दिया, लेकिन अभी तक चूँकि अभी आप जानते हो ये राजनीति की लड़ाई, एकनाथ शिंदे भी मंत्री है, हालांकि पालक मंत्री है, ज़्यादा पावरफुल है। अभी कुछ दूसरे मंत्रियों का सर पे हाथ होगा तो ये जगह हमको लेने नहीं दी, नहीं दिया, क्योंकि ये जगह मिल जाती तो ये भी 400-500 महीने तो इसके अंदर आ सकता। तब हमारे लिए बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा, बहुत मजबूरी के साथ कहना पड़ा कि अब जगह बची। 84-85 मैयत हैं, अब वो भी हो जाएंगे 1 महीने का तो फिर या तो इस वक्त ये आलम है कि 12, 13, 9, 8 ये डेली रेशो। भाई फिर 84 मैयत दफन होने के बाद फिर कब्रिस्तान बंद होता है तो फिर कब तक, कितने महीने लगेंगे इसको खुलने? देखिए अभी कब्रिस्तान अगर बंद करने के बाद फिर भी हमने एक लेटर दिया है एकनाथ शिंदे को, ये बालू आती है ना, बालू रेती, रेती हमने उनसे मांगी, अगर रेती हमको सेंक्शन कर देते तो ये मट्टी के अंदर अगर हम रेती मिलाएंगे तो उसके अंदर क्या फिर आप कब्र जल्दी खोल सकते, 12 महीने 9 महीने के अंदर हम कवर खोल सकते, लेकिन वो बालू अब सेंचिन होगी डलेगी क्योंकि वो भी कम से कम 2-500 ट्रक लगेगी, छोटा मोटा तो है ही, अब उनकी तरफ से क्या जवाब आता है उसके लिए रुके हो। यानी अनुमानित जो है 8-7 महीने लग सकते हैं और जो हाँ, ये तो देखिए साइकिल है, अभी एक कब्रिस्तान अगर बंद हो गया या जगह नहीं है तो एक साइकिल है जो दफना है, आज से 8 महीने 9 महीने 10 महीने पहले, क्योंकि 18 महीने में हम लोग कवर खोलते हैं, 18 महीने के बाद 17 महीने के अंदर कवर खोलने के बाद फिर नहीं उसके अंदर दफना। अब ये जो ऐसा जैसा टाइम होता जाएगा वैसा वैसा कवर छुट्टी जाएंगे और फिर वापस शुरू हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा जो लोग पहले मुमरा में रहते थे अभी कौसा में रहने को आए और उनका एड्रेस अभी भी मुमरे में ही है तो वो प्रेस नहीं करें यहाँ पर दफनाने, वो कौसा में चले जाए, एम एम एल ई में चले, क्योंकि अब जगह बची नहीं। अक्सर देखा गया है क्योंकि मेरे को मालूम है कि फॉरेन पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है, फॉरेन प्रेशर आ जाता है हर आदमी का, मानो कौसा हुआ कौसा में साहब पहले मुमरा में रहते थे हमको दफनाने दो तो कहाँ से दफनाने, लोगों का। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।